जय हिंद। आज हम बात करेंगे आइसोट्रेटिनोइन 20 mg कैप्सूल के बारे में, कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्या इसके मैन्युफैक्चरर कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इसका यूज़ क्या होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके डोज के बारे में कि कितनी मात्रा हमें लेना है, और इसके कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने हैं वाइल यूजिंग दिस कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बिग बिग थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइसो ट्रेटिनोइन कैप्सूल, जिसका कंपोजिशन की बात करें, इसमें आइसो ट्रेटिनोइन 20 mg होता है, और मार्केट इसको मैन्युफैक्चर किया है प्योर क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं इस आइसो ट्रेटिनोइन कैप्सूल के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, रेसोटेन 20 mg के नाम से, जिसे KLM लेबोरेटरी बनाती है, और इसका प्राइस 210 रुपये होता है। और बहुत फेमस जो सिप्ला कंपनी बनाती है उसको आप देख सकते हैं कि चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज़ेस के बारे में। अभी तक तो हमने बात की कि कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइस क्या होते हैं। अब बात करें इसके यूज़ेस की, तो इसका यूज़ जो मुहासे हो जाते हैं, जिनको इंग्लिश में एक्ने भी बोलते हैं, कील मुहासे होते हैं, जो पिंपल्स पड़ जाते हैं, उनको जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन होती है, एक सीवियर कंडीशन होती है, तो सीवियर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइसोट्रेटिनोइन एक्चुअली विटामिन ए ही होता है, एक पार्ट होता है, और ये क्या करता है कि जो सीबम सीक्रेट होता है, जो ऑयल होता है हमारे ऑयल चेहरे पे, उसके प्रोडक्शन को कम करता है, और जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। मेजरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण ही, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सीबम जो ऑयल होता है उसको खाते हैं, और उनके खाने के बाद जो उनके मेटाबॉलाइजिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हमें एक्ने या जो कील मुहासे होते हैं। तो इसका मेजर काम यही होता है कि उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, और जो सीबम सीक्रेट होता है, ऑयल सीक्रेट होता है, उसकी मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। अब ये तो हो गई इसके वर्क करने की और इसका यूजेस की। अब कितना कैप्सूल यूज़ करना चाहिए, तो इसका जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है उतना ही डोज इसको लेना चाहिए। वैसे जनरली इसका 0.5 से 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है, मतलब 20 mg एक दिन के लिए सफिशेंट होता है, मतलब दिन में एक बार 20 mg लेना चाहिए, और इसको हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए, तो खाली पेट नहीं लेना चाहिए, जिससे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम किया जा सके। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट इसके थोड़े इसको लेने के साथ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने होते हैं, जैसे कि इसमें बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि मेंशन किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया हुआ है, दिस मेडिसिन मे कॉज सीवियर बर्थ डिफेक्ट, यू मस्ट नॉट टेक दिस मेडिसिन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और मे लाइकली बिकम प्रेग्नेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है और या आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको नहीं लेना है, नहीं तो बर्थ डिफेक्ट आपके बेबी में देखने को मिल सकते हैं, और इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें दूसरी वार्निंग ये लिखी हुई, यू शुड ऑल्सो अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ, मतलब आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट स्टॉप करने के 6 मंथ बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें, उससे पहले ना करें यदि आप इसका ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो। और अब बात करें ब्रेस्ट फीडिंग में, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी अनसेफ होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं लेडीज़ उनको ये नहीं लेना चाहिए, और लीवर डिसीज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लीवर डिसीज़ में जो एंजाइम होते हैं हमारे लीवर में उनकी मात्रा वो बढ़ा देता है,
जिससे कि हमें बहुत सारे मेटाबोलाइजिंग चेंजेस दिख सकते हैं। तो इसलिए जिनका लीवर कमज़ोर है या जिनके लीवर में प्रॉब्लम है उनको ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। किडनी के लिए सेफ़ होती है, जिनकी किडनी डैमेज है वो इसको ले सकते हैं, मतलब किडनी के लिए ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए। और ये तो हो गई दोस्तों इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में और प्राइस के बारे में हमने बात कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू।